हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मयंक। आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड 350 वर्सेस इलेक्ट्रा 350। दोस्तों ये बहुत 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 ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हालांकि जो इस वाली वीडियो में आप लोग जो इलेक्ट्रा देख पा रहे हैं ये अब डिसकॉन्टिन्यू हो चुकी है दोस्तों, 2019 में ये डिसकॉन्टिन्यू हो गई थी। लेकिन दोस्तों आज भी लोग ये वाला क्वेश्चन जरूर करते हैं एंड यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा सर्चिज होती हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि पुरानी वाली इलेक्ट्रा लें कि स्टैंडर्ड लें। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुराना है लेकिन आज भी ये टॉपिक सर्च में आता है। दोस्तों आज भी काफ़ी लोग देखना इस वीडियो को पसंद करते हैं। फ्रेंड्स इलेक्ट्रा नहीं आनी तो बंद हो गई है लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में अभी भी आप लोगों को मिलती है। सो अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में भी लेने जाएंगे इसको तो भी आप लोगों के एक मन में क्वेश्चन रहता है, तो इसी वजह से ये वाली वीडियो ज़्यादा ट्रेंड में रहती है एंड ज़्यादा इसके सर्चिस होती हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक फन वे में होने वाली है, बिकॉज दोस्तों आप जो कि इलेक्ट्रा देख पा रहे हैं ये अब डिसकॉन्टिन्यू हो चुका है। अब जो नया वाला इलेक्ट्रा आ रहा है, जो ES आ रहा है मॉडल, उसका भी कंपैरिजन मैं इसके साथ जरूर आप लोगों के लिए लाऊंगा, आप वो भी देख लेना दोस्तों। सो आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन करेंगे हम। दोस्तों जो हमारी बुलेट 350 है वो बिल्कुल स्टॉक BS6 वाला वेरिएंट है जो कि अभी फिलहाल आ रहा है मार्केट में। एंड दोस्तों जो बुलेट 350 इलेक्ट्रा है ये अब आना बंद हो चुका है, वाला क्रोम वाला वेरिएंट। एंड मेरे से आप पर्सनली पूछें जो किसमें क्रोम पार्ट्स हैं वो मेरे को बहुत ज़्यादा बेटर लगते हैं, अब कंपनी ने इसको बंद कर दिया है। एंड दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे कि आपको इन दोनों ही बाइक्स में से किसकी लुक बेटर लगती है। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की वाली वीडियो शुरू फटाफट से। इस वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को, तो वीडियो पूरी देखिएगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पता आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस वाली वीडियो को एक लाइक करना है, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल एनफील्ड लवर्स के साथ शेयर करनी है। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं टायर से। आप लोग देख सकते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड 350 है वो बिल्कुल स्टॉक है एंड जो हमारी इलेक्ट्रा 350 है इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो रखी है। जैसे कि ये वाला पुराना मॉडल है दोस्तों, जैसे कि इसकी सीट चेंज है, इसके दोनों टायर चेंज है आगे पीछे के, इसमें अलॉय व्हील्स आप लोगों को लगे हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा इस बाइक के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी बाइक जो है कम्प्लीटली आप लोगों को स्टॉक मिलती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फ्रंट से टायर्स की। आप लोग देख सकते हैं इन दोनों ही बाइक के अंदर दोस्तों हमें बिल्कुल सेम टायर आते थे, फ्रंट बैक दोनों आप लोगों को बिल्कुल सेम टायर मिलता था। जैसे कि आप स्टैंडर्ड में देख पा रहे हैं ये वाला टायर हमें इलेक्ट्रा में मिलता था दोस्तों, लाइंस वाला जो होता है, जो प्रोफाइल होती थी टायर की दोस्तों वो होती थी 90x19 का, फ्रंट बैक दोनों टायर आप लोगों को मिलते थे एंड दोनों ही टायर इसमें आप लोगों को MRF के मिलते थे दोस्तों, जो कि ट्यूब टायर आप लोगों को मिलते थे। दोस्तों इलेक्ट्रा के अंदर भी हमें स्पोक रिम्स मिलते थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों के सामने बुलेट 350 में जो लगे हुए हैं सेम स्पोक रिम्स हमें इसमें मिलते थे दोस्तों। एंड जो इनकी डिस्क ब्रेक थी दोस्तों वो भी आप लोगों को बिल्कुल सेम मिलती थी। एंड दोस्तों एक चीज़ और, अब जो BS6 वाला वेरिएंट है इसके अंदर आप लोगों को ABS मिलता है, सिंगल डिस्क सिंगल चैनल ABS आप लोगों को मिलता है। जो हमारा इलेक्ट्रा 350 खड़ा है दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को ABS नहीं मिलता है। आप लोग ये प्लेट देख पा रहे हैं, प्लेट लगी हुई है लेकिन ये ABS नहीं है दोस्तों, दोनों ही बाइक्स में आप लोगों को प्लेट मिल रही होंगी छोटी सी, ये ABS नहीं है दोस्तों, इसमें खाली आप लोगों को सिंगल डिस्क मिलती है। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे जो हमारी बुलेट 350 है इसका मडगार्ड आप लोगों को कम्प्लीटली ब्लैक में आप लोगों को मिलता है, जो वही हमारा इलेक्ट्रा है दोस्तों इसमें आप लोगों को कम्प्लीटली क्रोम आप लोगों को इसके अंदर मडगार्ड मिलता है, जो कि देखने में स्टैंडर्ड 350 के मुकाबले ज़्यादा बेटर लगता है दोस्तों। एंड वो आप लोगों को थोड़ा पीछे मिलता है, पर टायर थोड़ा सा बाहर है, इस वजह से आपको फ़ायदा ही मिलता है दोस्तों। अगर आपकी बाइक इफ़ इन केस अगर सामने से हिट होती है तो आपका टायर इलेक्ट्रा में पहले लगेगा, आपको मडगार्ड बैंड नहीं होगा पहले, ठीक है। और वहीं बात करें स्टैंडर्ड में, तो दोस्तों स्टैंडर्ड में आपको मडगार्ड लग जाएगा तो आपके मडगार्ड पर स्क्रैचेस आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, लेकिन दोस्तों जो रियर सस्पेंशन है वो इलेक्ट्रा के ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को मिलते हैं। इलेक्ट्रा में आप लोगों को गैस शॉक एब्जॉर्बर आप लोगों को मिलते हैं, वहीं बात करते हैं बुलेट 350 में वहाँ आप लोगों को दोस्तों हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि इतने बढ़िया नहीं होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रा के जो सस्पेंशन है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को मिल जाते हैं, जो कि हमें क्लासिक वाले वेरिएंट में देखने को मिलते थे, जो कि क्लासिक अब बंद हो गया, वो वाले सस्पेंशन आप लोगों को इलेक्ट्रा में मिलते हैं दोस्तों रियर वाले। जो बुलेट 350 है इसके शोकर्स आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोगों को कवर मिलते हैं ऊपर से, वही जो हमारा इलेक्ट्रा है इसके शोकर्स आप लोगों को नेकेड मिलते हैं, बिल्कुल पतले से आप लोगों को इसके शोकर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, ट्रांसपेरेंट होते हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं। एंड दोस्तों और ऊपर चलते हैं, बात करते हैं दोनों की हेडलाइट के बारे में। इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को हेलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है एंड दोनों ही बाइक के अंदर आप लोगों को एक छोटा सा पार्किंग बल्ब दिया जाता है, दोनों में ही आप लोगों को ऊपर पायलट बल्ब दिए जाते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों को बल्ब वाले मिलते हैं। एंड इंडिकेटर्स आप लोगों को सेम साइज़ के क्रोम इंडिकेटर्स आप लोगों को मिलते हैं। एंड दोस्तों इन दोनों ही बाइक में जो इंडिकेटर हैं वो आप लोगों को बल्ब वाले मिलते हैं।
जो इनकी टेल लाइट्स हैं दोस्तों वो दोनों की अलग अलग है, एंड जो इलेक्ट्रा की टेल लाइट है वो आप लोगों को एक रेक्टेंगल शेप में मिलती है, काफ़ी बड़ी टेल लाइट आप लोगों को मिलती है इलेक्ट्रा में। बुलेट 350 की टेल लाइट आप लोगों को इतनी बड़ी नहीं मिलती है, वो कॉम्पैक्ट साइज़ की आप लोगों को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के टैंक के ऊपर। तो दोस्तों ये है इन दोनों ही बाइक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों बुलेट 350 के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा क्योंकि इसका टैंक मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। जो बुलेट 350 का टैंक है दोस्तों वो 1980s से भी पहले से चला आ रहा है, हालांकि दोनों ही बाइक्स का जो टैंक है वो 1980s से चला आ रहा है दोस्तों, लेकिन जो बुलेट 350 का टैंक है ये बहुत ज़्यादा पुराना टैंक है दोस्तों। हालांकि इसका जो लोगो है वो चेंज है, पहले जो लोगो आता था रॉयल एनफील्ड का वो अलग आता था, ये लोगो अलग है ठीक है। लेकिन जो आप लाइंस देख पा रहे हैं ये हैंडमेड होती हैं दोस्तों, ये बहुत पहले से चली आ रही हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये हैंडमेड होती हैं दोस्तों। एंड टैंक का कलर जो होता है वो ब्लैक आप लोगों को मिलता है, रॉयल इनफील्ड का जो लोगो है वो 3D में आप लोगों को काफ़ी बड़ा एम्बर्ड एक मिल जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप लोगों को दोस्तों मिल जाती है। जो इलेक्ट्रा है दोस्तों इसका टैंक आप लोगों को बिल्कुल प्लेन मिलता है, ब्लैक प्लेन बिल्कुल आप लोगों को मिलेगा, और जो उसके ऊपर रॉयल एनफील्ड का लोगो है दोस्तों वो 3D में आप लोगों को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों बाइक्स के हैंडल के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों बाइक्स में आप लोगों को बिल्कुल सेम हैंडल मिलता है, सेम फीचर्स कंट्रोल आप लोगों को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रा में सेल्फ का स्विच मिलता है, बुलेट 350 में आप लोगों को सेल्फ नहीं मिलता है, तो इसमें आप लोगों को सेल्फ का स्विच नहीं मिलता है। एंड अब बात करते हैं इनके मीटर की। दोस्तों दोनों बाइक में आप लोगों को बिल्कुल सेम मीटर मिलता है, बिल्कुल सेम है, एनालॉग मीटर आप लोगों को मिलेगा। दोनों बाइक हैं जो बिल्कुल ओल्ड स्कूल रेट्रो लुकिंग बाइक है दोस्तों ये। लेकिन दोस्तों जो स्टैंडर्ड है इसमें एक ABS का और एक लो फ्यूल इंडिकेशन का आप लोग साइड में देख पा रहे हैं, ये मीटर बस एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, इसके अलावा इसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है। जो हमारा बुलेट 350 दोस्तों इसमें आप लोगों को ब्लैक कलर के एक बिल्कुल सिंपल से आप लोगों को साइड मिरर्स इसके अंदर मिलते हैं, जो कि हमें स्कूटियों में मिलते हैं ठीक है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रा है दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को साइड मिरर्स बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त मिलते हैं, वो भी मेटल के आप लोगों को मिलते हैं, एंड वो आप लोगों को इसके अंदर क्रोम के मिलते हैं, जो कि देखने में बहुत जबरदस्त लुक देते हैं दोस्तों। अब बात आते हैं थोड़ा सा नीचे इन दोनों ही बाइक के इंजन के ऊपर। दोस्तों इन दोनों ही बाइक के अंदर बिल्कुल सेम इंजन आप लोगों को मिलता है, क्रोम इंजन दोनों का ही आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। जो BS6 है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइन इंजन कर दिया गया है, एंड उसकी आवाज़ कम है दोस्तों, लेकिन वो टॉप स्पीड ज़्यादा पकड़ता है, वो अच्छा भागता है। लेकिन दोस्तों जो BS4 इलेक्ट्रा है इसमें हम लोगों को साउंड बहुत ज़बरदस्त मिलती है, एंड उसका पिकअप है वो इतना ज़्यादा नहीं है, भागता ये भी है दोस्तों, लेकिन इसका पिकअप BS6 के मुकाबले कम आप लोगों को मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को 346 cc का इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 19.1 BHP की पावर विद 28 Nm ऑफ टॉर्क। दोनों ही बाइक आप लोगों को दोस्तों सिंगल चेसी वाली मिलती हैं, एंड दोनों ही बाइक्स में आप लोगों को किक मिलती है। इलेक्ट्रा में एक एडवांटेज है, इसमें आप लोगों को एक सेल्फ भी मिलता है और किक भी मिलता है, लेकिन बुलेट 350 में ओनली किक आप लोगों को मिलती है। दोनों ही बाइक्स में दोस्तों जो क्रैंक होती है वो बिल्कुल सेम होती है, एंड मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा श्योर नहीं हूँ दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। एंड दोस्तों आप लोग एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि इंजन में आप लोगों को इलेक्ट्रा में एक सेल्फ भी इंजन में आप लोग लगा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों बुलेट 350 में वहाँ पर खाली है, उसमें कोई भी चीज़ वहाँ नहीं लगी हुई है, वो बिल्कुल आप लोगों को फ्री स्पेस मिलता है। जो बुलेट 350 BS6 है दोस्तों उसका बैंड पाइप आप लोग देखेंगे कैटलेटिक कन्वर्टर लगा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, एंड जो उसका साइलेंसर है वो भी थोड़ा सा आप लोगों को अलग मिल रहा होगा दोस्तों। जो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती दोस्तों, कैटलेटिक कन्वर्टर सारी लुक खराब कर देता है बाइक की ठीक है, बैंड पाइप पे जो लगा हुआ है। वहीं बात करें इलेक्ट्रा की, दोस्तों इलेक्ट्रा में आप लोगों को कहीं पे भी कोई कैटलेटिक कन्वर्टर नहीं मिलता है, इस वजह से इसकी जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलती है, एंड BS4 में थंप भी आप लोगों को स्टॉक साइलेंसर में काफ़ी मिलती है, वो अभी आप लोगों को मैं भी सुना दूंगा, दोनों बाइक्स के साउंड भी सुनाऊंगा दोस्तों भी आप लोगों को ठीक है। तो बुलेट 350 में हमें बैटरी बॉक्स क्रोम मिलता है, एंड इलेक्ट्रा में हमें जो बैटरी बॉक्स होता है वो ब्लैक कलर का मिलता है। बात करें सीट की, तो दोस्तों इन दोनों ही बाइक में आप लोगों को बिल्कुल सेम सीट मिलती हैं ठीक है। जो भी इलेक्ट्रा में आप लोग देख पा रहे हैं ये चेंज है, बुलेट 350 की ओरिजिनल है, आपको वैसी वाली सीट मिलती है। जो बैकरेस्ट आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों ये दोनों ही बाइक में बिल्कुल ओरिजिनल है, साइड पैनल आप लोगों को बिल्कुल सेम मिलते हैं, दोनों ही आप लोगों को ब्लैक कलर के मिलते हैं, एंड बुलेट 350 दोनों पे ही लिखा रहता है, जो कि दोनों में ही आप लोगों को 3D में मिलता है दोस्तों। अब रियर से आप लोग इनकी लुक देखिए दोस्तों, जो रियर लुक है वो आप लोगों को कैसी इसकी मिलती है, अब रियर से आप लोग मेरे को बताओ आप लोगों को कौन सी लुक ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अब मेरे से आप पूछेंगे पर्सनली तो बुलेट 350 की जो रियर लुक है वो ज़्यादा बढ़िया आप लोगों को मिलती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा में थोड़ी बहुत लुक आप लोगों को अच्छी मिलती है, लेकिन जो इसका रियर मडगार्ड है वो बहुत ज़्यादा पीछे से उठा हुआ है दोस्तों, तो इस वजह से इसकी लुक है वो आप लोगों को इतनी बढ़िया नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों जो रियर सस्पेंशन है इलेक्ट्रा के वो बहुत बढ़िया आप लोगों को मिलते हैं, क्लासिक वाले सस्पेंशन इसके अंदर डाल रखे हैं दोस्तों ठीक है, ये स्टॉक है, कोई चेंज वेंज नहीं करवाए हुए दोस्तों। लेकिन बुलेट 350 में आप लोगों को बिल्कुल सिंपल से हाइड्रोलिक मिलते हैं, जो कि इतने बढ़िया नहीं होते दोस्तों कम्फर्ट के मामले में। इलेक्ट्रा में आप लोगों को कंफर्ट ज़्यादा बढ़िया मिलता है दोस्तों। अब रियर से आप लोग लुक देखेंगे दोस्तों, जो इलेक्ट्रा का मडगार्ड है वो आप लोगों को क्रोम मिलता है,
और वही बात करें बुलेट 350 की, उसका मडगार्ड आप लोगों को ब्लैक मिलता है, उसकी शेप ज़्यादा बढ़िया लग रही है दोस्तों बुलेट 350 की। इंडिकेटर सेम साइज़ इसके मिलेंगे, टेल लाइट का डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा, दोनों में ही आप लोगों को पीछे नंबर प्लेट लगाने के लिए प्रॉपर प्लेट आप लोगों को मिलती है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो हमारी बुलेट 350 है वो ज़्यादा ऊँची लग रही है देखने में इस टाइम दोनों ही फोटोज़ में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जो हमारी बुलेट 350 है वो थोड़ी सी कम है उसकी सीट हाइट, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रा है दोस्तों वो ज़्यादा ऊंची है, क्योंकि इसका रियर मडगार्ड है वो थोड़ा सा आप लोगों को उठा हुआ मिलता है, तो इस वजह से हमारी इलेक्ट्रा जो है ऊंची आप लोगों को मिलती है। वो बुलेट 350 डबल स्टैंड पर लगी हुई, इस हमारे आपको ऊंची लग रही है क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनल सीट लगी हुई है, एंड जो बुलेट 350 इलेक्ट्रा आप लोग देख पा रहे हैं इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी नीचे है, चेंज है वाली सीट, ठीक है दोस्तों। तो यही फ़र्क आप लोगों को मिलता है, जो बुलेट 350 का साइलेंसर है वो ऊंचा आप लोगों को मिलता है थोड़ा सा उठा हुआ, लेकिन हमारा जो बुलेट 350 इलेक्ट्रा है इसका साइलेंसर आप लोगों को थोड़ा सा नीचे को मिल जाता है दोस्तों। दोनों ही बाइक में बिल्कुल ओरिजिनल साइलेंसर लगे हुए हैं। आवाज़ अभी आप लोगों को मैं चेकआउट करा देता हूँ। तो दोस्तों ये थे छोटे मोटे फीचर्स जो मैंने आप लोगों को बताया इस वाली वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने बताने की आप लोगों को कोशिश करी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे फीचर्स। अब आप मेरे से पूछेंगे कि इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक जीती, तो दोस्तों ये तो देखो आप बता पाओगे मेरे को, काफ़ी लोगों की पसंद होती है दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की जो पसंद होती है वो हमारी बुलेट 350 स्टैंडर्ड होती है, एंड उसमें से थोड़े लोगों की जो पसंद होती है वो इलेक्ट्रा होती है दोस्तों। एंड अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे दोस्तों तो मुझे बुलेट 350 अच्छी लगती है, लेकिन दोस्तों बुलेट 350 में आप लोगों को सेल्फ नहीं मिलता है, एंड क्रोम जो है दोस्तों वो ज़्यादा बेटर लगता है हर किसी नज़रिए से। आप इन दोनों ही बाइक्स को धूप में एक बार खड़ा कर दीजिए दोस्तों, तो दोस्तों जो क्रोम है वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है धूप में खड़ा करने के बाद, एंड इलेक्ट्रा की जो लुक है दोस्तों वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो दोस्तों सबकी पसंद अपनी अलग अलग होती है, ठीक है, तो आप मेरे को बताइए कौन सी बाइक जीती। हाँ, अगर हम बात करें फीचर्स की तो दोस्तों अभी जो BS6 वाला वेरियंट है ये हमारे को एक एडवांस बाइक मिलती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को ABS मिलता है, ठीक है, लो फ्यूल इंडिकेशन आप लोगों को इसके अंदर शो करता है, एंड ये बाइक अब ज़्यादा स्टेबल आप लोगों को मिलती है, एंड इसके अंदर आप लोगों को पिकअप ज़्यादा मिलता है, पावर भी इसके अंदर ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों बाइक्स में से कोई बाइक लेने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को मैं वो भी दोस्तों सजेस्ट कर देता हूं। अगर आप नई बाइक लेने जा रहे हैं दोस्तों तो आप बुलेट 350 ले लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को कम पैसे में ज़्यादा फीचर आप लोगों को मिल रहा है, अगर आपको बुलेट ही लेनी है स्पेशली, ठीक है। वैसे जो ये बाइक्स लेता है दोस्तों वो फीचर्स नहीं देखता है, ये बात फैक्ट है, ठीक है, फीचर्स नहीं देखता जो भी ये वाली बाइक लेते हैं दोस्तों। रॉयल इनफील्ड अपनी ये रॉयल बाइक है दोस्तों, ठीक है, ये विंटेज बाइक्स में आती है, रेट्रो लुकिंग ओल्ड स्कूल बाइक है, लेकिन दोस्तों आज भी अच्छी खासी बाइकों को ये वाली बाइकें टक्कर दे देती हैं, चाहे आप इनको पावर में कंपेयर कर लो, चाहे आप इनको लुक्स में कंपेयर कर लो, चाहे आप इनकी बिल्ड क्वालिटी में इनको कंपेयर कर लो, दोनों ही बाइक की बिल्ड क्वालिटी सुपीरियर आप लोगों को मिलती है दोस्तों। ये नहीं इसमें क्रोम है इलेक्ट्रा में तो उसकी बिल्ड क्वालिटी कमजोर होगी दोस्तों, उसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को मिलती है। अगर आपको सेकंड हैंड मार्केट में देखना है तो आप लोग इलेक्ट्रा भी ले सकते हैं दोस्तों, बुलेट 350 भी आप लोग फिर ले ही सकते हैं, फिर वो चीज़ डिपेंड करती है आपकी पसंद के ऊपर और आपको क्या किस टाइम चीज़ मिल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक अच्छी लगती है या कौन सी बाइक अच्छी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो दोस्तों प्लीज़ इस वाली वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।